नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 6 अक्टूबर 2020 दिन मंगलवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। सूर्योदय सुबह 6:17, सूर्यास्त शाम को 6:01, चंद्रोदय रात को 8:49, चंद्रास्त सुबह 9:55। तिथि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 12:31 तक दोपहर के। नक्षत्र कृतिका 5:54 तक शाम के। योग सिद्धि 12:56 तक रात के, यानी कि 7 अक्टूबर तक। करण बालव 12:31 तक दोपहर के। कौलव 1:42 तक रात के, यानी कि 7 अक्टूबर तक। वार है मंगलवार। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपकी राशियों का हाल। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहता है आपका राशिफल और क्या करना चाहिए आपको उपाय अपने दिन को और ज्यादा शुभ बनाने के लिए। उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगी कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब जान लेते हैं आपका राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज फैसला लेने का दिन है। आप पिछले सप्ताह से कई चीजों के बारे में चिंता कर रहे हैं। आज कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है जो शुरू में काफी कठोर लगे, लेकिन आपको इस बारे में अपने दिल की सुननी चाहिए। ये सोचना है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ये नहीं कि मुझे क्या करना होगा। अपने दिल की बात सुने, इससे आपको लाभ होगा। आप अपने लिए कुछ उपहार ले सकते हैं जो कि काफी हद तक आपको तनाव से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। आप दूसरों का काफी ध्यान रखते हैं, पर आज अपने लिए कुछ समय निकालकर अपने ऊपर खर्च करें। आपके पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे। इसीलिए इस लालच से बचें और आराम से रहें। कोई नया खेल खेलने या शारीरिक व्यायाम का कोई नया तरीका अपनाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी आज आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, इसीलिए आज अपना ध्यान रखने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है और इसका प्रयोग अपने फिटनेस संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने में करें। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा। शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। वृष राशि। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज स्वयं को भौतिक चीजों के मोह में फंसा अनुभव करेंगे, लेकिन किसी भी वस्तु को इतना कसकर ना पकड़ें कि बहाव के साथ बहना ही उपयुक्त है। सहज बने रहें जब तक कि आपको जवाब नहीं मिल जाते। अपना नजरिया दृढ़ ही रखें। दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। इस बारे में दोस्तों और सहकर्मियों से बात करना ही सही रहेगा। सहकर्मी आपसे ईर्ष्या के कारण असहयोगी रहेंगे, लेकिन उनके सामने जोर से ना चिल्लाएं क्योंकि ये अलग रूप में तोड़ मड़ोड़ कर आपके वरिष्ठ अधिकारियों तक बहुत चालाकी से पहुंचाया जाएगा। बस कुछ समय के लिए ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाए रखें। आपको अपने पार्टनर को यह दिखावे की जरूरत है कि आप उन्हें या इस रिश्ते को गंभीरता से महत्व देते हैं। यही सही समय है कि आप इसके लिए अतिरिक्त कोशिश करें ताकि आपके पार्टनर को भी यह बात महसूस हो कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति काफी नाजुक है। कोई भी तनाव या भावनात्मक दबाव अपना असर जरूर दिखाता है। आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी महसूस कर रहे हैं।
अगर आप अपने तनाव से निपटने का अच्छा सा समाधान नहीं करते तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा, शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, लाभकारी होगा। मिथुन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप बदली हुई भूमिका में हैं। आप बेहतर वक्ता तो हमेशा से रहे ही हैं, अब आप बेहतर श्रोता भी बन गए हैं। अब सबको यह पता चल जाएगा कि आप आत्म केंद्रित नहीं हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने की इच्छा रखते हैं। एक 40 वर्षीय महिला आपकी बहुत मदद करेगी। आप अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और अपने परिवार की धन वृद्धि के लिए शक्तिशाली ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप अधिक ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे और जिससे आप अगली बार किसी की सेवा करने पर अधिक कमाने लायक हो जाएंगे। आज आप अतीत के किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात करेंगे जिसका आपके साथ एक करीबी रिश्ता रहा है। इस मुलाकात की वजह से आप अपने मौजूदा संबंधों की गतिशीलता को बढ़ा सकते हैं। प्रगति और प्रकृति आपको अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव करने का मौका दे रही है। आपने अभी हाल में ही एक्सरसाइज और अच्छा खाना शुरू तो किया है, पर टुकड़ों में आप इसे पूरी तरह नहीं अपना पा रहे हैं। आज इसे नियमित रूप से अपनाने का संकल्प लेने के लिए अच्छा दिन है। इसी से आपको अपने मनचाहे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा, शुभ रंग आपका महरूम होगा। आज आप भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। कर्क राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपसे अत्यधिक काम की अपेक्षा की जाएगी। आप कुछ भी किस्मत के भरोसे या कोई छोटा सा भी काम किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हालांकि दिन के अंत में कोई बहुत अच्छी खबर आपको मिलेगी जो आपके प्रयासों की सफलता से संबंधित होगी। आपका कार्य के समय हर छोटे बिंदु का मूल्यांकन और हर कार्य को पूरा करने के लिए सावधानी बरतना आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपको और अधिक जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको अपने सामान्य कुशल तरीके से इन सब से निपटना होगा ताकि ये आपके करियर के अवसरों में आने वाले समय में वृद्धि कर सके। किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार हो लेकिन फिर भी उसे टिकने के लिए कोई ठोस आधार जरूरी चाहिए। केवल प्यार होना ही काफी नहीं है, आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना भी होगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। आप एक साथ आराम और सुरक्षा दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दें, समय से आपको स्वीकृति भी मिलेगी और बाकी सभी चीजें अच्छी भी होनी है। सब चीजें ठीक हो जाएंगी, निश्चिंत रहें। देर रात तक ना जागें, कोशिश करें कि अपनी सुबह की नींद का लालच छोड़कर उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए करें। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से आपकी सेहत खराब हो सकती है। आज आपका भाग्य अंक 7 होगा, शुभ रंग आपका मिट्टी कलर होगा। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। सिंह राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज का दिन सभी भावनात्मक और वास्तविक मुद्दों के मामले में उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आप सुबह भावनात्मक बने रह सकते हैं और सब चीजों के बारे में भी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के नजरिए से ही सोचेंगे। इससे कुछ गलत फैसले को भी संभावना हो सकती है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा और आप और स्पष्ट तरीके से सोच और देख पाएंगे। आज आपको अपने खर्चों का ध्यान रखना होगा और उन पर पैनी निगाह रखनी होगी, क्योंकि यह छोटे छोटे खर्चे आगे जाकर विराट रूप धारण कर सकते हैं। हालांकि आपकी व्यक्तिगत जरूरतें कम हैं, पर फिर भी आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा ताकि भविष्य में धन की समस्या उत्पन्न ना हो। आपका साथी आज काफी हद तक एक सहायक की भूमिका में आपके लिए रहेगा, लेकिन इस तथ्य और अपने साथी की उपयोगिता को जानने में आपको काफी लंबा समय लग जाएगा। अपने आजकल के खाने पर बहुत ध्यान दें और उसमें स्वास्थ्यकर चीजों को शामिल करें। अपने रक्तपात को नियंत्रण में रखने के लिए खूब सारा पानी पिए। कोशिश करके अपने निजी संबंधों के बारे में बाद में सोचें।
क्योंकि इससे आपको पाचन संबंधी परेशानियों की शिकायत के साथ साथ स्वास्थ्य में भी बाधा ही पहुंचेगी। खुद को मानसिक रूप से शांत रखें और बाकी की किसी चीज के बारे में ना सोचें। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा। शुभ रंग आपका सिंदूरी होगा। आज आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। कन्या राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। शुरुआत में बहुत अच्छा, बाद में थोड़ा सा व्यस्त रह सकता है। घर पर कोई बीमार पड़ सकता है और आपको अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उनकी देखभाल के लिए समय निकालना होगा। आपको सहकर्मियों या दोस्तों से खुशी मिलेगी और आप आने वाले समय में उनके साथ समय बिताने की योजनाएं बना सकते हैं। आप आज क्षमावान रहेंगे और उन्हें भी माफ करेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वे आपके सहकर्मी हों जिन्होंने जलन की भावना से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या आपका क्रूर मालिक जिसने कभी आपकी बात नहीं सुनी और हमेशा से आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। आप कितने भी व्यस्त हों, आपको परिवार के साथ पिकनिक आदि की योजना बनानी चाहिए, बहुत मजा आएगा। घुड़सवारी या तैराकी आदि की योजना भी आप बना सकते हैं। इस मजेदार समय में प्रकृति के नजारों का आनंद लें। आज आप त्वचा और दांत से जुड़ी तकलीफों से परेशान हो सकते हैं। अपने खाने में खूब सारी सब्जी, हरी सब्जियां, दूध, फल और दूध से बनी चीजों को शामिल करें। आज आपको एलर्जी की आशंका भी बनी हुई है और ध्यान रखें कि आप एलर्जी करने वाली सभी चीजों से दूर रहें। अपनी सेहत और सुंदरता को बनाए रखने के लिए सही भोजन और एक्सरसाइज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। तुला राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आप पिछले कई दिनों से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की जड़ क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। अवलोकन और विश्लेषण की आपकी शक्ति आज अपने चरम पर होगी। अंततः अगर आप किसी भी नौकरी में हैं और अगर इन कौशल की आपको आवश्यकता है, तो आज सफलता आपके कदम चूमेगी। वैज्ञानिकों, जांचकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए आज एक उपयोगी दिन होगा। आप हमेशा से अपने प्रेम संबंधों में मधुर, कोमल और खुश मिजाज रहे हैं और इसके कारण अतीत में आपका सफर बेहतरीन रहा है। बहरहाल, आज आपको एहसास होगा कि जो आपके प्रेम संबंधों में हो रहा है वह वास्तव में गंभीर है। आप में अब सभी बाधाओं को चुनौतियों से पार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है जो आपके सामने आने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें आपका काफी समय और ऊर्जा लग जाएगी। इससे आप बहुत थके हुए और तनावग्रस्त सा महसूस करेंगे। इसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं और अपना मनपसंद खाना पका कर रखें, जिसका आनंद आप सारा काम करने के बाद उठा सकते हैं। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके आसपास कोई आपको व्यर्थ के पावर गेम में उलझाने की कोशिश करेगा। इससे बचने का रास्ता यही है कि आप खुद पर नियंत्रण रखकर ठंडे दिमाग से काम लें और किसी और की चालों का शिकार ना बने। इससे आप व्यर्थ की परेशानियों से भी बच जाएंगे अगर आप सावधान रहेंगे तो। बहुत सुंदर और चिंता मुक्त दिन आपका गुजर सकता है। आपके नए व्यापार विचार जो आपने सुझाए थे वे अब सफल देने के लिए शुरू कर देंगे। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच सकते हैं। यह अपने दम पर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय है। संभावना है कि आप इस समय अपने नए व्यापार के लिए पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आप सभी की उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम हो और ये चीज आपके रिश्ते को और गहरा करेगी। आज आपकी सेहत काफी हद तक अच्छी रहेगी और वे तकलीफें जो आप पिछले कई दिनों से महसूस कर रहे थे आज खत्म हो जाएंगी। उन तकलीफों के लिए भी सावधानी बरतना आवश्यक है जो आपको आज हो सकती हैं। अगर आप इनके प्रति लापरवाह रहेंगे तो यह गंभीर समस्याओं में बदल सकती हैं। समय पर इनके समाधान के उपाय कर लेने के बारे में आप आसानी से इनसे बच सकते हैं।
आज आपका भाग्य अंक 9 होगा, शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। आज आप हनुमान जी के समीप में घी का दीपक जलाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। धनुराशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप विशेषकर हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। सब समस्याओं का सामना चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करेंगे। आज किसी विवाद में मैत्रीपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। आपकी मौजूदगी से खुशी और रौनक रहेगी और शाम को पार्टी की जान बने रहेंगे। आप यात्रा और सामाजिकता से जुड़े व्यवसायों से जुड़ सकते हैं। आप अपने आप को आगे बढ़ाएं क्योंकि आप महान महत्व के लोगों के साथ बहुत अच्छा जाल या संवाद स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। आप कैसे दिखना चाहते हैं और कैसे पार्टनर बनना चाहते हैं, इससे आपको यह तय करने में भी मदद मिलेगी कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस रास्ते पर चलना है। जीवन में आने वाली हर चीज को लेकर सहज रहें। आपको आज गिरकर छोटी मोटी चोट भी लग सकती है या आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। छोटी मोटी दुर्घटनाओं की भी आशंका है, आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। इसके अतिरिक्त दिन में कुछ विशेष नहीं होगा। आप किसी से स्वास्थ्य केंद्र में मिलने जा सकते हैं। यह समय अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव करने के लिए बिल्कुल ठीक है जिनकी आपको लंबे समय से जरूरत है। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा, शुभ रंग आपका गोल्डन होगा। आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मकर राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। यह सोचने और जानने के लिए कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं। कुछ देर एकांत में बैठें, पिछले कई दिन काफी व्यस्त रहे हैं, इसलिए आपको अपने उद्देश्यों का फिर से मूल्यांकन करना है और यह भी देखना है कि आपके काम किस प्रकार आपके जीवन और संबंधों को प्रभावित कर रहे हैं। यात्रा संभावित है, हालांकि हमारा सुझाव यह है कि किसी रोमांचक ताबड़तोड़ यात्रा के स्थान पर शांतिपूर्वक अपनी छुट्टियां बिताएं। आपने हमेशा से ईमानदारी और मेहनत के साथ कार्य किया है और अतीत में हालांकि आपको उतना फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य आपके लिए स्थितियां अनुकूल करेगा। आपकी काफी सारी परियोजनाएं सफलता के लिए फलित होंगी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों और अपने से नीचे कार्य पद पर तैनात सहकर्मियों से आपको प्रशंसा भी मिलेगी। आप अपने पार्टनर के साथ एक शांत समय का आनंद ले पाएंगे। जो आपके पास है उसी के साथ खुशियां मनाएं। छोटे मोटे घरेलू कामों में अगर आप पार्टनर की सहायता करेंगे तो आपके संबंधों में इससे एक तरह की संतुष्टि आएगी, जिससे आपको खुशी और आपके प्यार को एक नया आयाम मिलेगा। गिरने या किसी दुर्घटना से चोट लगने की आपको आशंका बनी हुई है, बेहतर होगा कि आज वाहन का उपयोग ना करें। महिलाओं को स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नेचुरल मेडिसिन की जरूरत होगी। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा, शुभ रंग आपका डार्क रेड होगा। आज आप गाय को गुड़ खिलाएं, आपके लिए लाभकारी होगा। कुंभ राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझने और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। आपकी योजनाएं महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन आपको इसके लिए वास्तविक समस्याओं को समझना होगा, नहीं तो आप अपने अच्छे इरादों के बावजूद टकराव महसूस करेंगे। आपको यह भी समझना है कि आपका किसी ऐसे व्यक्ति से भी टकराव संभव है जो आपके ही जितना महत्वाकांक्षी और दृढ़ संकल्पी है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भ्रमित हैं और काफी समय से कुछ प्रश्न आपकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। आज इसका हल आपको नजर आ सकता है। आज कोई अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि वह कितना सफल होगा। अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं तो ये आपके प्रेम प्रसंगों को नीचे की तरफ धकेल सकता है। आपकी सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन आपको इसी सेहतमंद अवस्था का मजा लेते रहने के लिए कुछ आधारभूत सावधानियां तो रखनी ही होंगी। समय पर कदम उठा लेने से आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य कार्यक्रम को गंभीरता से लेने का समय है और उन सब अच्छे व्यायामों को शुरू करने का भी जिनके बारे में आप हमेशा से सोचते रहे हों, लेकिन कभी उन्हें पूरा करने का उत्साह नहीं जुटा पाए हों। आज आपका भाग्य अंक 5 होगा, शुभ रंग आपका ब्राउन होगा। आज आप गौशाला में दान का प्रबंध करें, आपके लिए लाभकारी होगा। मीन राशि,
वाले जातकों का दिन आज अच्छा रहेगा। आज आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। आपको उदारता से कोई प्रभावित होकर दिन के अंत तक आपसे अपनी भावना का इजहार कर सकता है। हालांकि अभी भी आपके मन में कड़वे अनुभव भरे हुए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप सारी नकारात्मकता को दूर करके एक नई शुरुआत करें। आप हमेशा की तरह काम करना जारी रखें और आपको जल्दी ही पदोन्नति मिल सकती है। हालांकि समय कैसा भी हो, ईर्ष्या के कारण कार्यालय राजनीति चलती रहेगी। इससे आप पहले कि आप दूसरों से प्यार की अपेक्षा करें, आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। आपको आज यही बात स्पष्ट रूप से सीखनी है कि यह समय आपके लिए अपने मन की आवाज सुनने का और खुद को वह प्यार और इज्जत देने का है जिसके आप हकदार हैं। आध्यात्मिक उपायों और तरीकों का सहारा लें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ तक कि जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बदल जाएगा। किसी फिटनेस कार्यक्रम में अपना नाम दर्ज करा लें और आप पाएंगे कि फायदेमंद होने के साथ साथ कुछ अभ्यास कर लेना मुश्किल नहीं है। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा। शुभ रंग आपका रंगीन होगा। आज आप सुंदरकांड का पाठ करें, आपके लिए लाभकारी होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।